हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपके जो पर्सन हैं उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं, रोमांटिक विशेस क्या हैं आपके लिए, या जो भी डिज़ायर्स हैं वो क्या हैं, हमें जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली मैच करे या सिर्फ कुछ परसेंट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, तो इसमें सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे एक्यूरेटली या कुछ परसेंट, तो फ्री माइंडेड होकर सुनिएगा। सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। एक्चुअली कार्ड अनफोल्ड हुआ मुझे ऐसा लगा। यस, हियर इट इज। सो चलिए दोबारा शफल करते हैं, चलिए देखते हैं कि उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। नाइस। नो। ओके, क्या बात है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको लेकर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है ही। ऐसा नहीं है कि इनका रोमांस जनरेट होगा या कहीं कम था, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक अबाउट यू। ऐसा लगता है यहाँ पे कि ये इंसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है और यहाँ पर कॉलिंग इन योर सोलमेट का भी कार्ड है। तो दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि आप इस पर्सन को पास्ट लाइफ से जानते हो, इससे पहले भी किसी लाइफ में आप इस पर्सन के साथ डील कर चुके हो। इस पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता, किसी तरह का तो बॉन्ड पहले रहा है, इससे पिछली लाइफ में या उससे पिछली लाइफ में, लाइक कुछ तो ऐसा कनेक्शन रहा है। क्योंकि आप लोग सेम सोल फैमिली से हो सकते हो, क्योंकि यहाँ सोलमेट का कार्ड है, हो सकता है सेम सोल फैमिली से हो इसीलिए आप लोग सोलमेट्स हो, और सोलमेट कनेक्शंस जो होते हैं वो पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं। ओके, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, लाइफ चेंज होने के बाद भी, रीबर्थ होने के बाद भी ये कनेक्शंस रहते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के रोमांटिक फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो, जिस पर्सन के रोमांटिक डिज़ायर्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो, ये पर्सन हो सकता है कि आपका सोलमेट है। और कहीं ना कहीं ये सोलमेट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और आप इनके सोलमेट हैं तो आप इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स यू बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। क्योंकि आपकी सोल को इन इनसे काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स फील होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, काफ़ी एक अटैचमेंट फील होता है, अपनापन। और इनका भी यही है कि इनको भी आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील होता है, एक यूनिक अननोन अट्रैक्शन फील होता है उनको आपकी तरफ समवेयर। ये साइंस कुछ ऐसे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, यानी कि एक दूसरे के पार्टनर्स हैं जो पहले से ही बने हुए हैं। लाइक ये कपल ऐसा है जो पहले से ही बना हुआ है, स्पिरिचुअली बना हुआ है। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन व्यूअर्स रोमांटिकली कुछ ऐसा फील करते हैं कि ये रोमांटिकली आपके बारे में विजुअलाइज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि आपके लिए इतने अट्रैक्टेड हैं कि प्रे करते हैं या अफर्मेशंस करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस कि अरे आप उनको मिल ही जाओगे, अरे आप भी उन्हें बहुत पसंद करते हो, अरे आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हो, अरे आप भी उनसे मिलना चाहते हो, अरे आप भी उनसे शादी करना चाहते हो, इस तरह की पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो अफर्मेशंस ही ये है कि वो पॉजिटिव चीज़ें बार बार बोलते हैं आप लोगों के बारे में, आप दोनों के बारे में। और
ना कि सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये इमेजिन भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ विजुअलाइजेशन का भी मैसेज है। तो ये बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें आपके साथ विजुअलाइज करते हैं, जैसे किसी स्क्रीन पर देख रहे हो कि आप लोग ऐसे ऐसे मोमेंट्स स्पेंड कर रहे हैं, ऐसे अपना वक्त एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं, तो ये विजुअलाइज करते हैं। और ये पूरा अफर्मेशन करना, प्रेयर करना, विजुअलाइज करना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं, मैनिफेस्ट करवाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी सोल आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिमिलर फीलिंग्स और एनर्जीज आपकी भी हैं, तो आप भी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो समवेयर। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान आपके साथ रीयूनियन के लिए आपसे इस लाइफ में मिला है, यूनियन के लिए मिला है, क्योंकि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। ये इंसान आपके साथ रीयूनाइट होना चाहता है। हो सकता है पास्ट लाइफ में जो भी आपका सिचुएशन था, ऐसा लगता है कि आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाया था, या कहीं ना कहीं यूनियन हो के भी काफ़ी सारी चीज़ें अधूरी रह गई होंगी, तो यहाँ पर ही आपके साथ रिकन्सिलिएट करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रीयूनाइट विद यू, दे वॉन्ट टू रिकन्सिलिएट विद यू, क्योंकि यहाँ मैसेज है दैट समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपके एक्स हैं और इनकी रोमांटिक फीलिंग यही है कि ये आपके पास लौट कर आना ही चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। तो जो लोग रियल में सोलमेट हैं या नहीं, या पास्ट लाइफ कनेक्शन अगर रियल में नहीं भी है, तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है व्यूअर्स के आपके एक्स भी आपके पास लौट कर आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनका आइडियल पार्टनर हो, ट्रू सोलमेट हो आप ही उनके, इसीलिए वो भी आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आप लोग के जो पर्सन हैं, मेल फीमेल, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दे वॉन्ट टू हग यू बैकवर्ड्स, पीछे से आकर, जैसे हम किसी की आंखों पे हाथ रखते हैं, ऐसे पीछे से आकर हग करना, तो ऐसे ही ये पीछे से आकर आपको हग करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पर लग रहा है दे वॉन्ट टू हग यू बैकवर्ड्स, यस। तो या तो ये एक्स है कोई, जिसको अब रियलाइज हुआ है कि आप ही इनके ट्रू सोलमेट हो, ट्रू पार्टनर हो, या फिर डेफिनेटली ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके सोलमेट के साथ, और यही सोलमेट आपकी लाइफ में लौट कर आया है, और ये आपके साथ यूनियन भी चाहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिकन्सिलिएशन का तो कार्ड है ही, यानी कि पास्ट पर्सन जो है उसके साथ रिकन्सिलिएशन तो होने की बात बताई ही जा रही है, बट विद दैट यहाँ पर इंगेजमेंट का भी कार्ड है, विच मीन्स आपका जो रिश्ता है, कनेक्शन है, वो इस लाइफ में सीरियस हो जाएगा, ऑफिशियल हो जाएगा, क्योंकि इंगेजमेंट हमेशा रिश्ते को ऑफिशियल करती है। एक ऑफिशियल टैग मिलता है, एक ऑफिशियल कहीं ना कहीं इमेज हो जाती है रिश्ते की, एक रिश्ता जो होता है वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है, वो एक हायर लेवल पर पहुंच जाता है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर मैसेज भी यही है, कार्ड है एंगेजमेंट का, एंड द मैसेज इज योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, यानी कि आपकी जो लव लाइफ है वो कमिटमेंट के हायर लेवल पर जा रही है, बढ़ रही है, यानी कि जो सिर्फ रिश्ते थे वो सीरियस रिश्ते बनेंगे, जो सीरियस रिश्ते थे, कमिटेड रिश्ते थे, वो हो सकता है इंगेजमेंट हो जाए, कुछ फिक्स हो जाए, कुछ सीरियस हो जाए, कहीं पर अगर सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप था तो वहाँ पर एक सीरियस ऑफर मिल सकता है, कोई सॉलिड ऑफर मिल सकता है, कोई वापस आकर आपसे अपोलोजाइज कर आपको प्रपोज भी कर सकता है, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये उसी इंटेंशन से हो रहा है कि आगे जाके रिश्ते को ऑफिशियल करना है, सीरियस करना है, कहीं ना कहीं शादी करनी है, उसी इंटेंशन से हो रहा है और उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो ये इनका इंटेंशन है। ये आपसे ऐसा लगता है एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपको रिंग पहनाना चाहते हैं या चाहती हैं, और ये जो भी आप लोगों की लाइफ में इस कनेक्शन की स्टेज है उससे एक लेवल अप जाना चाहते हैं, उस स्टेज को पार करके नेक्स्ट स्टेज पर, नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं या चाहती हैं, ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स की ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच अगर उतना रोमांस नहीं हो पाता है, या कहीं ना कहीं वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं आप लोग, तो वो चाहते हैं कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ऐसे रोमांटिक मोमेंट्स वो आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, या ऐसा रोमांटिक टाइम वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं जो लाइफ टाइम मेमोरेबल है, लाइफ टाइम मेमोरेबल रहे, लाइफ टाइम चेरिशेबल रहे, हमेशा वो उस बात को, उस मोमेंट को याद करके खुश हो जाएं, मुस्कुराएं।
तो वो आपके साथ काफी फ्लर्टेशियस, रोमांटिक, फनी सब चीजें करना चाहते हैं, ओवरऑल कह सकते हैं कि वो इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, अपने रिलेशनशिप को, अपने प्यार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे मोमेंट्स आपके साथ जीना चाहते हैं जो वो जो उनको खुशियों से भर देंगे, जो सृष्टि को खुशियों से भर देंगे। तो प्लेफुल होना चाहते हैं वो आपके साथ, रोमांटिक होना चाहते हैं वो आपके साथ। यस, वो चाहते हैं कि आप अपने दिल को और ना रोको, वो अपने दिल को ना रोके और आप लोग खुल के एक दूसरे के साथ इंजॉय करें इस रोमांस को, इस रिश्ते को। यस, ब्यूटिफुल। सो दे वॉन्ट टू बी वेरी प्लेफुल विद यू। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, शायद ये अपने फ्रेंड्स को पूछते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, या आप अपने फ्रेंड्स को कुछ पूछते हो, या आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, आप लोग अपने कॉमन फ्रेंड्स से इस रिश्ते के बारे में कोई ना कोई बातें करते हो। क्योंकि यहाँ पर लिखता है, दिख रहा है कि आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं या आपके पर्सन के जो फ्रेंड्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ गाइड कर सकते हैं, या कोई सोल्यूशन बता सकते हैं, या कोई तरीका बता सकते हैं। यस, तो फ्रेंड्स की तरफ से कोई हेल्प, कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट आपके पर्सन को मिल रहा है या आपको मिल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करें, या कैसे इस रिश्ते को मैनेज करें, या अपने इंटेंशंस को कैसे एक सही तरह से आपके सामने रखें, कहीं ना कहीं उनको कन्फ्यूजन्स भी लगते हैं, डर भी लगता है, तो वो अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले रहे हैं या लेना चाहते हैं ऐसा लगता है। डेफिनेटली। आइए व्यूअर्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि और क्या है इनकी रोमांटिक फीलिंग्स, और ये क्या रोमांटिक मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ओके, इनकी तरफ से कुछ रोमांटिक मैसेजेस हम आपके लिए लेंगे, और ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं। ओके, सो दीज आर द चैनल्ड मैसेजेस। लेट्स सी, वेल वी विल कंसिडर वन बाय वन। ओके, सो ये कार्ड जो है पॉप आउट हुआ है यहाँ पे, बाकी तो सब स्लिप। ओके, सो दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। और भी कार्ड लेते हैं। So this card also wants to come out. Let's see. आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, सो दे आर आस्किंग यू, क्योंकि ये तो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी इनके बारे में सोचते हैं या सोच रहे हैं करेंटली। सो दे वॉन्ट टू नो अबाउट योर थिंकिंग, वो आपकी थिंकिंग भी जानना चाहते हैं, जैसे आप क्यूरियस हैं जानने के लिए कि ये क्या सोच रहे हैं, इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है, वैसे ही ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है या आपकी थिंकिंग क्या है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो दैट। ओके, मैंने इनके इंटेंशंस के बारे में बात की, और यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है इनकी तरफ से, माई इंटेंशंस वर प्योर। सो माई इंटेंशंस वर प्योर का साफ साफ मतलब यहाँ पर यह है कि आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इनके इंटेंशंस कभी भी गलत नहीं थे आपके लिए और ना ही गलत है। तो अगर आपको डाउट है कि इनके इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, तो वो तो यही कहना चाहते हैं कि उनके इंटेंशंस आपके लिए हमेशा अच्छे रहे हैं, गलत नहीं रहे हैं। सो द मैसेजेस, आई स्टॉक योर सोशल मीडिया एवरी डे, तो वो आपको सामने से बोल रहे हैं कि वो आपको इतना ज़्यादा आपके लिए इतना रोमांटिक है या इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो आपका सोशल मीडिया रेगुलरली हर दिन स्टॉक करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कोई ब्लॉक किया हुआ है किसी ने किसी को, तो भी स्टॉक तो इंसान कहीं से भी कर सकता है, फेक अकाउंट से, किसी कॉमन फ्रेंड के अकाउंट से, अगर किसी को करना ही है स्टॉकिंग, इफ़ समवन इज़ दैट मच इंटरेस्टेड इनटू स्टॉकिंग और दैट मच ऑब्सेस्ड, दे रियली कैन डू दैट। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये आपको साफ साफ बता ही रहे हैं कि वो आपको सोशल मीडिया पर डेली स्टॉक करते हैं। दिस पर्सन इज क्रेजी अबाउट आई थिंक, नॉट जस्ट क्रेजी। ओके, सो अनदर मैसेज इज गिव मी अनदर चांस। तो वो आपसे साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे एक और मौका दे दो। हो सकता है कि शायद इनसे कोई गलती हुई है और ये दूसरा मौका चाहते हैं। या तो व्यूअर्स, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको सेकेंड चांस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते।
क्योंकि ये तो मांग रहे हैं दूसरा मौका। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है कि इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कितने परसेंट आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है, कितना परसेंट रिलेट करती है। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।